हरिओम एवरीवन, आज मैं आपके साथ ना एक बात करना चाहूँगी और एक ब्रीदिंग टेक्निक भी बताऊँगी जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे आपको बहुत हेल्प करेगी। अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन मेरी ट्रेनिंग के दौरान भी, इंटर्नशिप में भी, कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, ना तो वो मेडिटेट कर पाते हैं और ना ही इवन योग निद्रा में भी वो आराम से लेट नहीं पाते, उनको उस टाइम भी एन्जाइटी होती है। और योग निद्रा तो इतनी इम्पॉर्टेंट है, योगा प्रैक्टिस के बाद आपने जो अपनी पूरी साधना की है उस साधना का जो फल है वो तब मिलेगा जब आप योग निद्रा चाहे 10 मिनट्स की भी करोगे। ये ऐसे होता है जैसे आप किसी पेड़ पे चढ़े, फ्रूट के पेड़ पे, सपोजिंगली आम के पेड़ पे चढ़े, वहाँ पे बहुत सारे आम हैं, बट आप उस कोई उस ट्री से नीचे उतर आए विदाउट वो आम को तोड़े हुए, तब ये बिल्कुल वैसा है कि योग निद्रा इतनी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद योगा प्रैक्टिस के बाद, योगा साधना के बाद, योग साधना के बाद, एक्चुअली योगा तो नाम ही बिगड़ गया है उसका, योगा तो कभी था ही नहीं, योगा है योगा, और योग साधना के बाद। तो इसके लिए और दूसरा सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है कि हमारा जो माइंड है ना और ब्रेथ, ये ट्विन गॉड ऑफ लाइफ है। माइंड एंड ब्रेथ आर द ट्विन गॉड ऑफ लाइफ, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे कांट लिव यू नो अपार्ट, दे लिव टुगेदर, वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। और जब वो एक साथ नहीं रहते तो तभी ही प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है कि जब हम उसमें उनके बीच में एक गैप ले आते हैं। सपोजिंगली कैसे, ब्रीदिंग हम ठीक से करते नहीं हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, पर मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगी, ब्रीदिंग स्टार्ट कैसे करनी है। ऐसे तो बहुत सारे मेथड है कि आप ब्रीद जो इनहेल है और एक्सहेल ट्वाइस करो, इनहेल 4 के काउंट पे करो, एक्सहेल 8 के काउंट पे पढ़ो, बट जब हम ये काउंट करते हैं तो वहाँ पे एक आपका माइंड जो है वो रुकता है, जर्क लगता है, तो वो जर्क जब लगता है तो वो आपकी ब्रीदिंग को हार्म पहुँचाता है। तो इसलिए मैं आपको उससे भी बिगिनर लेवल, क्योंकि आपको एक टाइम के बाद काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट उससे भी बिगिनर लेवल पे के एक इजी सा प्रोसेस बताती हूँ जो कि हमारे योगीज ने डिस्कवर किया हुआ है। ये मैंने नहीं डिस्कवर करा, ये हमारे बड़े बड़े योगीज ने करा है, हमारे स्क्रिप्चर्स में है, हमारे जो एक्सपीरियंस योगीज हैं उन्होंने बताया। तो उसके लिए आपको पहले तो अपने बैठ जाना है, एक चेयर पे बैठ जाओ जिससे आपकी बॉडी डबल हो जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप किसी स्टूल पे बैठ गए या फिर चेयर पे बैठ जाओ, आपकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इस तरह से हाफ लेग्स हैं और अपर पार्ट ऊपर है। तो आपको आइज़ क्लोज करनी है और इमेजिन करना है कि आप जो है इनहेल कर रहे हो अपने स्पाइन से लेके टॉप ऑफ द हेड तक, आंखें बंद करके, क्लोज योर आइज़ फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन टू द टॉप ऑफ योर हेड, इनहेल एंड एक्सहेल फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द टोज। आंखें बंद करके धीरे धीरे आपको ये ब्रीद करना है, और आप अपना हाथ स्टमक पे रख सकते हो कि जब आप इनहेल करेंगे तो आपकी जो स्टमक है वो मतलब बल्जिंग करना चाहिए और बाहर आना चाहिए, और एक्सहेल करने के बाद अंदर जाना चाहिए, और ये हाफ आपको बॉडी जैसे स्पाइन से लेके आपको टॉप ऑफ द हेड तक आपको इनहेल करना है। तो ये अब ऑटोमेटिकली ट्वाइस एक्सहेलिंग होती है विजुलाइजेशन से, आप विजुअल कर रहे हो अपने आप को कि आप जो इनहेल कर रहे हो फ्रॉम द स्पाइन टू द टॉप ऑफ योर हेड एंड एक्सहेल फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द टोज। तो ये 5 मिनट करके देखो, फिर आप धीरे से अपनी आंखें खोलना और मुझे बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक फॉर द बिगिनर्स एंशियस माइंड को रिड्यूस करने के लिए।